तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक कमाल का हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या हो सकता है कमाल का एक हिडन मेन्यू बता रहा हूँ जो कि बहुत यूजफुल है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको बताने वाला हूँ हिडन मेन्यू। आप देखेंगे मैं यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ तो ये हिडन मेन्यू मिल रहा है, जैसे कि होम की पे जाना है या रिसेंट की पे जाना है तो ये यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख रहे हो जैसे मुझे रिसेंट में जाना है तो मैं रिसेंट में क्लिक करूंगा तो रिसेंट एप्स खुल जाएंगी। ऐसे ही मैं नीचे करके अगर वॉल्यूम अप करूंगा तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, वॉल्यूम डाउन करूंगा तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, शो नोटिफिकेशन करूंगा तो नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। और भी आप देखेंगे नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं लाइक, जैसे स्क्रीन अप हो जाएगी, मेन्यू क्यू हो जाएगा, मेन्यू करूंगा मेन्यू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरी ऐप, अगर मैं किसी जैसे मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ गया हूँ, अब मैं उस मेन्यू को खोलूंगा तो यहाँ पर न्यू टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लोज टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रीवियस टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, मूव फॉरवर्ड मेन्यू की। ऐसे ही अगर मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगा तो वहां पर मुझे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है। तो एक्चुअल में इसको इनेबल कैसे करें, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की गुड लक वाली ऐप में। गुड लक वाली ऐप के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको एक मॉड्यूल मिलता है जिसका नाम है वन हैंड ऑपरेशन प्लस। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जिस साइड अपना या जिस फिंगर पे या फिर जिस आपको गैजेट पे सेट करना है उसको जाके वहां चले जाना है। वहां जाने के बाद आपको मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स वाला फीचर, आपको दिख रहा होगा, आपको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप चाहें तो सेटिंग में इसको और भी ऐप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लगा रखा है, क्रोम पे लगा रखा है। अगर यूट्यूब पे जाऊंगा तो प्ले पॉज वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन मूव अप बैकग्राउंड मूव बैकग्राउंड ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ जाऊँ यूट्यूब यहाँ पर गैलरी पे, तो गैलरी पे जो भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आप बहुत सारी ऐप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जोन जोन सी ऐप ऐड ऑन करेंगे वो वहाँ पर आपको दिखती जाएंगी और उसके शॉर्टकट्स भी आपको दिख जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर कैमरे पे आ गया, कैमरा ऐड कर लिया मैंने और कैमरे के फीचर में जाऊँगा ऐड करके देखूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये ऐड कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना है। जोन सा भी आपको ऐड करना है उस पर क्लिक करना है, यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट की पे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जिसको भी लगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए और वो वहाँ पर सेट आउट हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया मूव डाउन का, ओके कर दिया तो ये ओके हो गया है। इस तरीके से वर्क करेगा। आप यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, आपको जितने लगाना है, आपको यहाँ पर जितने लगाना है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जाना है या नीचे की तरफ जाएंगे, आपको बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। जो सा फीचर्स भी को भी आपको वहाँ पर सेट आउट करना है, लाइक जैसे उसको मिलता जुलता जो भी आपको लग रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर सेट आउट जाएगा और आप उस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उसको सेट आउट कर लेना है और उसके बाद जब भी आप उस ऐप को खोलेंगे तो वो फीचर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने कैमरे पर लगा के रखा है, अब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन करूँगा तो मूव अप मूव डाउन का फीचर यहाँ पर मिल रहा है, बट ये काम करेगा नहीं यहाँ पर, बट वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है जो कि मुझे पसंद है। और नॉर्मल में आपको जनरल में मिलेगा कि हर ऐप में ये ऑप्शन मिले, होम की, रिसेंट की, वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, शो नोटिफिकेशन, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन ऑफ, मेन्यू की, और चाहें तो ऐड ऑन और भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जितने भी आपको ऐड ऑन करना है यहाँ पर जाएं सेलेक्ट की पे, यहाँ पर जाने के बाद जो भी करना है लाइक मूव डाउन लगा दिया मैंने, ओके कर दिया, अब ये भी यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब मैं इसको जैसे यूज़ करना हो तो मैं बाहर आ गया, यहाँ मेन्यू पे गया, लाइक आप कहीं भी हो और आपको यहाँ पर मूव डाउन करना है तो आप मूव डाउन का फीचर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला फीचर को आप यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फीचर पता था या नहीं था। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।